बिलासपुर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसकी शुरुआत बिजली कर्मचारियों के घरों से हुई। पहले दिन तोरवा पावर हाउस स्थित सीएसईबी कॉलोनी के 4 से 5 क्वार्टर में मीटर लग गए हैं। कॉलोनी में करीब 14 क्वार्टर हैं। यह कार्य पूरा होने के बाद संबंधित ठेका कंपनी आम उपभोक्ताओं के घरों तक पहुँचेगी। मोबाइल बैलेंस की तरह अब बिजली सप्लाई लेने के लिए उपभोक्ताओं को रिचार्ज करना होगा। ये सुविधा बिजली वितरण कंपनी की प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के तहत मिलेगी। इस मीटर के लगने के बाद पुराने पोस्टपेड मीटर हटा दिए जाएंगे। प्रीपेड मीटर की खास बात यह होगी कि उपभोक्ता जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी यूनिट में बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। रिचार्ज का बैलेंस खत्म होने के बाद बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। ये ग्रामीण संभाग में बिलासपुर संभाग में आज स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को खास करके जो हमारे जनरली लगभग शिकायत ही रहता है कि हमारे यहाँ मीटर रीडर नहीं आता है या हमारा जो रीडिंग है ठीक से भरा नहीं है या गलत बिलिंग आ गया है, ये सारे समस्याओं का ये स्मार्ट मीटर लगने से निराकरण हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार की बिलिंग गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आप मीटर में जो रीडिंग रहेगा उसी के आधार पर वो बिल उनको पटाना पड़ेगा। अभी हम इसको 1-2 महीने के लिए पोस्ट पेड मीटर अभी शुरू कर रहे हैं और जैसे ही हमारा ये इंटीग्रेशन पार्ट अभी चल रहा है, जैसे होने के बाद में ऑटोमेटिक इसको हम लोग प्रीपेड में कर देंगे। तो पहले से ही आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी की बिजली चलेगी और जैसे ही आप उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा वो आपका मीटर ऑटोमेटिक आपके घर की लाइन को काट देगी। नहीं, ट्रायल बेस पर नहीं, ये तो हमारा प्रक्रिया ही है। हम ट्रायल इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रदेश मतलब देश में कई जगह स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस है और ये आरडीएसएस योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगना है, पूरे देश भर में लगना है। कई प्रदेश में ये सक्सेसफुल मतलब ये मीटर लगाने का काम पूर्ण हो, लक्ष्य हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे। वैसे सभी ये कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सारे उपभोक्ताओं को मीटर मतलब ये रिप्लेस करना है। लगभग मेरे ख्याल से 2 साल तो लगे जाएंगे काम करने में।